आज की ताज़ा खबर है, मेरे इस प्लांट में से बहुत सुंदर नया पत्ता निकलने वाला है। बहुत महीनों के बाद एक खुशी मिली है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। चार पाँच महीने हो गए इस प्लांट को लगाए हुए, लेकिन चार पाँच महीने तक इसका वेट करते थे बेबी का। इतनी खुशी हो रही है ना, तो आइए ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो बहुत ब्राइट डे है, अभी 7 बजे लेकिन ऐसा लगता है 12 बज गए। आपको चिली का अपडेट बता देती हूँ, काफ़ी सारे आए हैं। कितने अच्छे लगते हैं जब फल आता है, अच्छे से आए। ये तो इतना बड़ा हो गया, मैंने खुद से लगाया था ये प्लांट घर पे ही। ये देखिए फूलने के पत्ते कितने बड़े हैं, और ये यहाँ मैंने 2 चिली लगाई है, वो भी काफी बड़ी हो गई है। ये हमारे एक फ्रेंड ने दिया था, ये भी, लेकिन इस साल पता नहीं ये बड़े ही नहीं हो रहे। ठंडी बहुत हो जाती है एक दिन में गर्मी होती है। टोकरा बनाने के लिए सूजी में नमक डाल दिया है, और हम दही ऐड करके उसका मिक्स करके 10-15 मिनट रहने देंगे। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। टोकरा इतना सा, नहीं ठीक और नहीं पतला, मीडियम खीरो बनाना है, और 10-15 मिनट तक रहने देती हूँ। तो इसमें मैंने ग्रीन चिली, कोरिएंडर और लहसुन और जिंजर की पेस्ट ऐड कर दी है, और इसमें मैं थोड़ा बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा डाल के ऐसे थाली में नीचे ऑयल लगा के ऐसे करके इसमें रख के फिर उबलते हुए स्टीम निकलते हुए पानी में हम रख देंगे। तो ये उबलता हुआ पानी है और स्टीम भी काफ़ी निकल रही है, तो हम उसमें इसको रख के ढक्कन लगा देंगे। इतने अच्छे और स्पंजी बने हैं,
अभी 2 मिनट रहने देंगे, बाद में काट देंगे, थोड़े ठंडे हो उसके बाद। ये 2 प्लेट पे मैं रेड चिली का डाल के बनाती हूँ थोड़े। ये देखिए कैसे स्पंजी और बहुत अच्छे बने हैं। इसको फिर हम राई और तिल और हींग से वगार कर देंगे। तो ये राई हो चुकी है, उसमें थोड़े वाइट तिल डालेंगे चिली पाउडर। इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये फ्लफी अच्छे से ढोकले हो गए। आप सब लोगों को इनविटेशन है ढोकला और चाय पीने के लिए, आ जाइए मेरे साथ। गरम गरम स्पंजी ढोकला गुजराती और गरम गरम चाय के साथ। तो ये था आज के दिन का मेरा व्लॉग। मॉर्निंग में इतनी धूप निकली हुई थी, अभी इतना डार्क हो गया, फिर अभी धूप निकले। कनाडा का वेदर तो ऐसा ही चलता है। देखो अभी इतने अच्छे बादल दिख रहे हैं, 2 सेकंड के बाद पूरा डार्क हो जाएगा, देखना। और मेरे घर के नीचे वो ट्री है, उस पे बेरी जैसे बेर आ गए हैं। अभी देखो ये डार्क हो गया। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक आप सभी लोग सही सलामत रहे, सेफ रहे। तो ये था आज के दिन का मेरा रूटीन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।